नमस्कार, मैं उस्मान अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। आजमगढ़ जिले में तहसील बुरनापुर के गजेंद्र पट्टी गौदराव से कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में देश व प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन व पद यात्रा रैली निकाली गई। खास रिपोर्ट नूर मोहम्मद के साथ संदीप यादव की खास रिपोर्ट। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसानों के संबंध में कांग्रेस मैदान में, किसानों के संबंध में कांग्रेस का आज 136वां वर्षगांठ मनाई जा रही है, जिसके उपलक्ष्य पे केंद्रीय नेतृत्व के आदेश पर हम सभी किसान भाई, किसान परिवार के बेटा, किसान परिवार की तरफ से किसानों के समर्थन में केंद्रीय नेतृत्व के आदेश पर एक एक किसान को जगाने का कार्य कर रहे हैं। पद यात्रा के माध्यम से सभी किसानों को ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो वर्तमान सरकार किसानों के खिलाफ काला कानून ले आकर के हमारे भविष्य को चौपट करने का प्लान किया हुआ है, उद्योगपतियों के हाथ में हमारे भविष्य को देना चाह रहा है, जिससे हमारा आने वाला भविष्य, किसान तो आज अपना जीवन जी लेगा, अपनी खेती अपनी मेहनत से जी लेगा, लेकिन आने वाला भविष्य हमारा इसके लिए हमको दोषी करार देगा और ये कहेगा कि आप लोग क्या कर रहे थे जब काला कानून देश में लागू किया जा रहा था, तो आप लोग क्या कर रहे थे, क्यों नहीं उसका विरोध किए। हम अपने भविष्य को सुधारने के लिए और कांग्रेस पार्टी सदैव, कांग्रेस का इतिहास रहा है कि अपने देश और अंग्रेजों से लड़ने का काम किया, अपने देश के किसी भी समस्या में कांग्रेस ने अपना बलिदान दिया है, अपना सहयोग दिया है। हर एक लड़ाई में कांग्रेस ने जनता के साथ अपना पूरा सहयोग दिया है। आज उसी के क्रम में केंद्रीय नेतृत्व एवं प्रदेश नेतृत्व के आदेश पर हम सभी लोग एक एक किसान को जगाने का कार्य करेंगे और इस लड़ाई को जब तक यह काला कानून वापस नहीं होता है तब तक हम इसे इस लड़ाई को सड़क पे, संसद में, जहाँ भी अवसर होगा एक एक किसान के साथ मिलकर लड़ने का काम करेंगे, क्योंकि हम किसान परिवार से जुड़े हैं, किसान के बेटे हैं। जय हिंद, जय कांग्रेस। अगली रणनीति हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व एवं प्रदेश नेतृत्व जो आदेश देगा वो हम लड़ेंगे, लेकिन ये हमारी रणनीति होगी कि हम सड़क छोड़ेंगे नहीं, चक्का जाम करेंगे। जैसे हमारे किसान भाई दिल्ली में बॉर्डर पर खड़े होकर के इस कड़ाके की ठंडी में लड़ने का काम कर रहे हैं, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके सदैव खड़े रहेंगे जब तक कि ये काला कानून वापस नहीं किया जाता।